स्टार्ट कर लें और ध्यान से देखें, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हम फॉर्मूला के सेक्शन को आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल बात के बारे में जान लें, कैलकुलेशन की फंडामेंटल के बारे में जान लें, जिसकी 20 है और 30 है। एक तरीका है तो हम सम लिखते हैं, सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो इसको सम कर लेते हैं, और दूसरा हम इसकी सेल एड्रेस को मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ करते हैं तो भी समान। यहां पे समझने वाली बात है कि जो सम है ये आपका इनबिल्ड फॉर्मूला है, और ये आपने प्लस किया, ये आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। तो क्या होता है कि इनबिल्ड फॉर्मूला लाइक सम, ऐसे फॉर्मूले आपके सिस्टम में लिमिटेड है। इन फ्यूचर में ऐसा अभी कभी ऐसा आ सकता है कि आपके पास कोई ऐसी कैलकुलेशन हो जिसके लिए एक्सेल में कोई फॉर्मूला अवेलेबल ना हो, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आप इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करके आप अपना रिजल्ट निकालेंगे। मतलब कि जो कैलकुलेशन आप नोट पैड में कर सकते हो वो सारी कैलकुलेशन एक्सेल में कर सकते हो। तो एक्सेल में मैथमेटिकल ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं, चलिए इसके बारे में एक बार हम आपके साथ जानते हैं। आप लोग माइक म्यूट कर ले क्योंकि बैकग्राउंड से किसी का शोर आ रहा है, मैंने कर दिया सबको म्यूट। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर है हमारे पास प्लस, सॉरी इक्वल हो गया, एक प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर, ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अब चलिए इनके मदद से कुछ एग्जांपल हम फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूं कि मेरे पास दो क्वार्टर का सेल है और तीसरा हमारे पास ग्रोथ है, मैं यहां पे ग्रोथ निकालना चाहता हूं। अब ग्रोथ के लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो हमें उस पर ट्रस्ट नहीं या पता नहीं, लेकिन इसी चीज को मुझे मैथमेटिकल नोट पैड पे दे और बोले मैथमेटिकल बेसिक करो, तो पेन और पेंसिल से हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम मैथमेटिकल फॉर्मूला अपनाएंगे कि ग्रोथ के लिए मैथमेटिक्स कहता है कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। अब इसी मेथड को अपनाते हुए मैं यहां लिखूंगा कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट। अब आप लोग बताइए क्या एंटर मारने पे रिजल्ट सही आएगा या गलत आएगा? गलत रिजल्ट देगा सर। क्यों गलत देगा? जो पहले डिवाइड कर देगा 8 से 8 को, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्योंकि हमने इस पे गलत, हाँ इस पे हमने बोथ मास मेथड को फॉलो नहीं किया है। ठीक है, हमने इसमें बोथ मास मेथड को फॉलो नहीं किया है, इसलिए। तो बोथ मास मेथड के लिए क्या करना होगा, हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा। इसमें हम ब्रैकेट लगाएंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। देखिए आपके सामने आया -30%, या -31% जो भी है आपके सामने दिख रहा है। ठीक है सर, चलिए कोई अनदर एग्जांपल देते हैं। तो अनदर एग्जाम्पल में मेरे पास है एग्जाम्पल कि मेरे पास प्रिंसिपल है 50,000, रेट है मेरा 15% ईयरली, और टाइम है मान लीजिए 3 साल, तो कितना अमाउंट होगा?
अब इसके लिए हमारे पास एफ वी फ्यूचर वैल्यू एफ वी का फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूले पे मुझे ट्रस्ट नहीं है। हम मैथमेटिकल बेसिक करना चाहते हैं, तो मैथमेटिकल बेसिक करने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले जो मैथमेटिक की फॉर्मूला है उसको पता होना चाहिए। Yes. तो मैथमेटिक्स कहता है कि अमाउंट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई वन प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन। अब इसमें एन क्या है? क्योंकि यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज निकल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल में जुड़ जाता है नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो एन यहां पे पीरियड है कि अगर आपका मंथली है तो मंथली, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली, है ईयरली है तो ईयरली, बट यहां पे मंथली है क्योंकि मोस्टली लोन मंथली कैलकुलेट हो रहा है आजकल। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम आता है कि इतना लंबा कैलकुलेशन को क्या एक सेल में कर पाना पॉसिबल है? नहीं है, कभी ब्रैकेट कॉमा छूट सकता है। तो चलिए इसको टुकड़ों में करते हैं। यहां लिखते हैं r डिवाइड बाई n मतलब 12, फिर हमने दिया 1 प्लस r डिवाइड बाई n, फिर किया मैंने टाइम मल्टीप्लाई बाई 12, फिर मैंने किया इन दोनों को 1 प्लस r डिवाइड बाई n पावर ऑफ t मल्टीप्लाई बाई n, इसका पावर मैंने निकाल लिया और फिर इसको प्रिंसिपल से हम मल्टीप्लाई कर दिए और फाइनली रिजल्ट हमारे पास आ गया कि 78,197 रुपए होगा। ठीक है सर, तो हमने स्प्लिट किया किसको? फॉर्मूले को। अब यहां पे एक नया चीज आता है क्योंकि हमें अमाउंट यहां एक सेल में चाहिए, इतने सारे सेल में नहीं चाहिए, तो हम क्या कहें कि हमने फॉर्मूले की सुविधा के लिए हमने फॉर्मूलों को एक्सपेंड कर दिया, तोड़ दिया अलग अलग सेल में और फिर उसको एक एक करके कंबाइन कर लेंगे एक सेल में। कैसे कंबाइन करेंगे? जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। जैसे ये देखिए, ये आपका D1 प्लस D15 है, तो मैं D15 पे जाऊंगा, इसको कॉपी करूंगा D15 के फॉर्मूले को, इस पे आऊंगा और D15 के फॉर्मूले के ऊपर इन द ब्रैकेट हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर इसको हमने कॉपी किया, और जहां पे E15 है उसके जगह पे इन द ब्रैकेट हम E15 को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, E15 के फॉर्मूला को। ऐसे हम F15 का फॉर्मूला कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया। एंड द लास्ट, इन सारे कैलकुलेशन को कॉपी किया और P के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब इसको कट करके जहां ले जाना है वहां हम ले जा सकते हैं। अब कट क्यों कर रहे हैं, कॉपी क्यों नहीं कर रहे? कॉपी करने पे रेफरेंस चेंज हो सकता है, इसलिए हमने कट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो इतने, ये तो 3-4 ब्रैकेट था, ये तो हम कर सकते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब चलिए आपके सामने हम एक और एग्जाम्पल लगते हैं जो कि थोड़ा सा लेंदी है। जैसे कि मैं एमआरपी को कैलकुलेट करना चाहता हूं, एमआरपी,
हमारे पास किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट है, कॉस्ट मान लीजिए 50 रुपीज है, और इसका प्रोसीजर ये है कि 5% मैन्युफैक्चरर लेता है, 10% जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, 15% होलसेलर एंड 20% रिटेलर लेता है। मतलब कि 50 रुपए का 5%, मैं यहां मेनू लिख देता हूं, 50 रुपए में ऐड करके मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि अपने खरीद पे 10% का मुनाफा जोड़ता है और अपने खरीद में उसको जोड़ के होलसेलर को दे देता है। होलसेलर क्या करता है कि अपने खरीद के ऊपर मल्टीप्लाई करता है, 15% निकालता है और अपने खरीद पे ऐड करके किसको दे देता है, रिटेलर को। रिटेलर क्या करता है कि अपने खरीद पे 20% का कमीशन मारता है और अपने खरीद में जोड़ देता है। मतलब कि 50 रुपए बनी सामान मार्केट में 79.69 रुपीज पे बिकेगी। ठीक है, ओके जी सर। अब इस सारे कैलकुलेशन को मुझे एक सेल में करना है। चलिए कॉपी पेस्ट शुरू करते हैं। हमने इसको यहां से कॉपी किया और यहां जहां हमारा D21 था इसके जगह पे हमने ब्रैकेट में पेस्ट कर दिया। वापस मैं इसको कॉपी किया, एक कहां से किस एड्रेस कॉपी किया, कॉपी किया मैं D22। अब यहां जहां D22 है उसके जगह हम ब्रैकेट में इसको पेस्ट करते हैं, फिर वापस हम इसको कॉपी करते हैं। D22 के जगह पे D22 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देते हैं, सॉरी D22 यहां हम थोड़ा सा, यही भी होता है एक बार गलत हो गया रिजल्ट चेंज होता है तो मुझे यही पता चल जाएगा कि हाँ रिजल्ट चेंज हुआ है। कॉपी किया और यहां D22 के ऊपर हमने इसको पेस्ट कर दिया और D22 यहां भी है तो हम यहां भी इसको पेस्ट करेंगे, दोनों जगह पे है इसलिए दोनों जगह पेस्ट करेंगे। फिर E21 का फॉर्मूला हम कॉपी करते हैं और E22 के ऊपर 21 के ऊपर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। फिर E22 का फॉर्मूला वापस इसको कॉपी करते हैं और यहां इन दोनों में E22 है तो दोनों को ब्रैकेट में लेते हुए इसको हम यहां पे पेस्ट कर देते हैं और यहां भी हम ब्रैकेट में इसको रख के पेस्ट कर देते हैं। और फिर वहां पे F22 का फॉर्मूला है, कॉपी किया और यहां पे हमने F22 के जगह पे पेस्ट कर दिया। फिर वापस इसको हम कॉपी करेंगे और यहां जहां F22 है उसके जगह पे उसका फॉर्मूला हम पेस्ट कर देंगे और यहां भी F22 है तो ब्रैकेट में इसके आगे भी हम फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। तो फिर मैं यहां से इस फॉर्मूले को कॉपी करूंगा और मैं यहां जहां G22 है उसके जगह पे ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं और फिर कट करके मैं यहां इसको पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए क्या लग रहा है, इतना लंबा फॉर्मूला हम लिख पाते मैनुअल, राजीव रोशन जी लिख पाते इतना लंबा फॉर्मूला हम? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला मर्जिंग मेथड का इस्तेमाल किया कि हमारा फॉर्मूला इजीली इसको लिख सके। ठीक है,
ये सर क्लियर हो गया। ओके, तो अब आप लोगों को एक चीज बताने की क्या जरूरत है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आगे चल के इसको दो जगह पे इस्तेमाल करेंगे। पहला कि आपके पास बहुत सारे ऐसे वाली है जिसके फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, समझे, और दूसरा कि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे आप तो उसमें क्या होगा कि आपके पास कई सारे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले आएंगे, तो वहां पे अगर आप एक फॉर्मूला से काम नहीं चला तो हमें कई सारे फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे एक सर्किल में। अब कई सारे फॉर्मूले जब हम इस्तेमाल करेंगे एक सर्किल में तो उसमें क्या दिक्कत होगा, कि आपको कहीं ब्रैकेट कहीं कॉमा ऐसे छूटने का डर रहेगा, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे फीचर्स का जिससे हमें दिक्कत आए। ठीक है सर जी सर, तो मुझे आप लोग क्या करें कि मुझे इसे 10 या 15 ऐसे ही मैथमेटिक का फॉर्मूला बना के दे सर, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। ये फाइल मैं भेज दूं आप लोगों को, तो मुझे 10 या 15 मैथमेटिकल फॉर्मूला को एक्सेल में करके दें और उस पर आप भी जो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम में ओपी कर लें, ताकि आपको हमें आइडिया लग जाए कि हाँ आपने क्या सीख रहे हैं। ठीक है, फिर कल हम बात करेंगे लॉजिकल फॉर्मूला के बारे में, राइट सर। कल की क्लास होगी हमारी लॉजिकल फॉर्मूला के ऊपर। अच्छा ठीक है, कर दूंगा। हेलो, कर दूंगा सर। यूट्यूब पे इस तरह के वीडियो है, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो आपका कल आपने हेलो सर, हाँ सर आज का लिंक भेज देंगे क्या? ठीक है, क्योंकि मैंने क्लास बी से ज्वाइन किया था। ठीक है, हेलो सर, कॉल कीजिए क्लास के बाद, मुझसे बात करनी है। हाँ बोलिए सर, कल की क्लास मेरे से मिस हो गई थी तो मेरे को कल की क्लास का लिंक मिलेगा? हमने एक कल एक कुछ वापस मेल में किया, कुछ क्वेश्चंस भेजा था मैंने। अच्छा, वो क्वेश्चंस आप मेरे को भी भेज दीजिए। और उसके पहले दिन जो था जो ना पीरियड का हुआ था ना, उसका भी सर लिंक भेज दीजिएगा। ठीक है, कल दोपहर में कॉल कीजिएगा, मैं ढूंढ के भेज दूंगा। ठीक है सर, ओके बाय, सी यू टुमारो सेम टाइम।